हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे अपनी हैबिट, खुद की हैबिट शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसा अपना घर का सारा काम करती हूँ और क्या अपने साथ सब कुछ वो प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि मेरा घर भी सुंदर रहे, मैं खुद भी सुंदर रहूँ। और टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपसे ये वीडियो बना के शेयर करने वाली हूँ, क्या पता किसी के ये वीडियो काम आ जाए। तो ये हाउसवाइफ मम्मी का व्लॉग है, तो फुल वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, कुक लुक इंडियन टेस्टल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह मेरी हो जाती है और उसके बाद मैं सबसे पहला फ्रेश हो जाती हूँ और कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ पीती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन पीने से पहला मैं क्या करती हूँ ना, और काम स्टार्ट करने से पहले मैं यही करती हूँ कि मैं टीवी पे जो है ना सूर्य बकरे लगा के सुनूं। कभी सूर्य बकरे लगा के सुनती हूँ, कभी मैं सूर्य मंजिल या फिर कभी सूर्य रहमान, सूर्य जुमा भी सुनती हूँ, लेकिन वो सिर्फ जुमा के दिन, ठीक है। तो बस टीवी ऑन होने के बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करती हूँ कि आवाज़ है ना एक किचन में रहे और एक हॉल में, क्योंकि बेडरूम तक नहीं जानी चाहिए। मेरे बच्चे सोए हुए होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो जल्दी उठ के क्या करेंगे, स्कूल जाते हैं लेकिन उनकी अभी छुट्टियाँ चल रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला पीती हूँ वो है कि गर्म पानी, कभी प्लेन गर्म पानी पी लूँगी, कभी इसमें कॉफ़ी एंड लेमन जूस डालकर पी लूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं घर के साथ खुद का भी बहुत ख्याल रखती हूँ, तो हाँ मेरे को मोटा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक्स्ट्रा डाइट तो नहीं लेती हूँ, बट हाँ इतना कहूँगी कि जो बना वो खाती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा में मैं यही लेती हूँ कि मैं गर्म पानी पीऊँ या तो फिर उसमें शहद, हनी, लेमन जूस ये सब डाल के पीऊँ। थोड़ी देर बालकनी में भी बैठना पसंद करती हूँ मैं, खुली हवा में बैठना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और घर में प्लांट्स भी रखे, प्लांट्स होना भी बहुत ज़रूरी है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है, वाइब्स बहुत अच्छी आती है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अभी आपसे शेयर करनी जा रही हूँ मेरा स्किन रूटीन, जो मैं अपने फेस पर हमेशा अप्लाई करती हूँ। इससे फेस पे जो है ना बहुत अच्छी ग्लोइंग आती है मेरे। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो भी है मैंने यहाँ पे शो किए हैं, अगर आपको ये फेस पैक बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसको मैं 1 वीक में 2 बार लगाती हूँ, मेरा चेहरा बहुत ग्लो करता है और पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। तो बस किचन में आ जाती हूँ खुद को प्रिपेयर करने के बाद, फिर मैं क्या करती हूँ कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ना साफ कर देती हूँ, क्योंकि उस पर डस्ट लगी होती है, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि मैं उस पर डायरेक्टली कुकिंग करूँ। वैसे ये डेली नाइट तो मैं प्लेटफॉर्म मेरा साफ करके ही सोती हूँ, बट सुबह में भी जो है ना धूल आ ही जाती कहीं ना कहीं से, कोने कपचे से आ ही जाती है, तो बस वो मैंने थोड़ा थोड़ा साफ कर लिया। और आज मेरे को ना फ्रिज चेक करना था, आज तो मैंने फ्रिज चेक किया है, लेकिन मैं हर वीकली फ्रिज जो है अपनी चेक करती हूँ, क्योंकि वीकली सब्जी होती है और वीकली ही ख़त्म हो जाती है। तो आज जैसा कि मेरा फ्रीज पूरा खाली हुआ है, मतलब सब्जियां, तरकारियां जो भी है, हरा मसाला, वो सब कुछ ख़त्म है, फल फ्रूट्स भी नहीं है सिर्फ सॉसेस के अलावा। तो बस यहाँ पर मैं अपना फ्रीज जो है ना हर वीकली चेक करती हूँ, चेक करने के साथ साथ मैं इसको अच्छे से साफ भी करती हूँ। फ्रीज की मुझे कभी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो इसलिए क्योंकि मैं हर वीक इसे चेक जो करती हूँ। डीप क्लीनिंग करे तो उसमें काफ़ी वक्त ज़ाया होता है खुद का भी, और एक तो फैमिली होती है, बच्चे भी होते सताते हैं, तो ये सब जो काम होते हैं डीप क्लीनिंग वाले, ये हमें डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, फिर हम वो आजकल पे डालते हैं। तो बेहतर यही है मेरे लिए कि मैं इसे वीकली साफ करते जाऊँ, वीकली साफ करेंगे तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ चेक करने के बाद, तो सब्जियाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बस सॉसेस रखी हुई है, सॉसेस को मैं एक बास्केट में रखती हूँ और सॉसेस भी मैं चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि इसमें से कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्योंकि सॉसेस ऐसे होते हैं ना जल्दी ख़त्म नहीं होते। तो बस यहाँ पर फ्रिज की जो है ना मेरी सफाई हो गई थी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। नेक्स्ट हैबिट है मेरी, वो है कि सिंक में ज़्यादा बर्तन मैं नहीं इकट्ठा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम बर्तन रहे और कम बर्तन में ही मैं इसे धो के साइड कर लूँ। और बस बर्तन धोने के बाद मैं अपनी जो सॉफ होती है बर्तन धोने वाली काता जो होता है उसको भी मैं धो के रखूं। अगली हैबिट ये है मेरी कि जब भी मैं चॉपिंग करती हूँ तो चॉपिंग बोर्ड को झूठा नहीं रखती हूँ, इसको मैं खंगाल ज़रूर देती हूँ पानी से और उसको सामने ही रखती हूँ, ताकि मेरे को ध्यान रहे जब भी बर्तन धो तो हाँ कि भाई इसे भी धोना है करके, तो इसलिए इसे सामने रखती हूँ। और लास्ट में जो है ना अच्छे से सिंक साफ कर लेती हूँ और जो नल होते पानी के उसको भी अच्छे से धो देती हूँ। और बस किचन से फारिग होने से पहले मैं अपने हाथ जो है ना अच्छे से हैंड वॉश कर लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम तरह तरह की केमिकल्स वाली साबुन यूज़ करते हैं, तो उससे हाथ अपने काले होने का बड़ा डर होता है, तो इसलिए हैंड वॉश ज़रूर किया करें।
तो बस आ जाते हैं बेडरूम की तरफ। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा जब भी मुझे वॉशिंग मशीन लगानी होती है कपड़ा वॉश करने के लिए ना, तो मेरे को एक दिन पहला ही क्या करना होता है कि मैं इसकी शीट्स चेंज कर लूँ। मैक्सिमम मैं यही सोचती हूँ कि भाई दो दिन हो गए तो चले अब इसकी शीट्स निकाल लेते हैं। और अक्सर जो है ना ये बेड शीट जो होती है इसकी साइड पे जो है ना मैं इलास्टिक लगाती हूँ, मेरे को बहुत इजी हो जाता है कि फिर मैं अपने बेड पे शीट्स वही बेड शीट्स अच्छे से लगाऊँ और अच्छी फिटिंग में बैठ जाती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है अगर इलास्टिक लगी हो तो। आते ही नेक्स्ट स्टेप पर, तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि दरवाजे के पीछे जो है ना मैले कपड़े या फिर साफ कपड़े टंगे होते हैं, अक्सर टॉवल जो है ना हमेशा टंगा होता है। चलो टॉवल तो ठीक है, लेकिन जो मैले कपड़े होते हैं वो ना टांगे, इसे फौरन जो है ना टब में डाल दें वॉशेबल के लिए। तो यहाँ पर एक लास्ट स्टेप जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो जो कि है टॉवल से रिलेटेड, बच्चों का टॉवल हो या फिर हमारा बड़ों का खुद का हो, तो वो दो दिन के अलावा तीसरे दिन तक उसे यूज़ ना करें, फौरन से हम नए से टॉवल निकाल दें यूज़ के लिए। एंड अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि बच्चे तो मेरे हाथ से ब्रश कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ठीक से जो है ना ब्रश अच्छे से वॉश करनी नहीं आती जब वो ब्रश करते हैं। ठीक है, तो दो तीन दिन में मैं क्या करती हूँ कि एक बार उनका ब्रश ज़रूर से चेक कर लेती हूँ और कभी कभार मैं इसके डैडी का भी चेक कर लेती हूँ। तो चलिए इन कामों के साथ, इन हैबिट के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करना चाहूँगी। सी यू सून, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।